हेलो फ्रेंड्स, हम फिर एक साथ हैं आज अपनी नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा एडल्ट टॉपिक है, क्योंकि आज हम क्या कहते हैं सेक्सुअल वीकनेस के लिए बात करने वाले। तो आज की जो हमारी मेडिसिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनोसमोडियम। ऑनोसमोडियम के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, कैसे लेते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, और इसे कब लेना है, कितनी बार लेना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे फिर कमेंट्स आते हैं कि सर मुझे लेनी कैसे है, मुझे कैसे क्या करना। तो प्लीज़ वीडियो को सुने एक बार, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है मेरी, से 6-7 मिनट की वीडियो होती है, इतना समय तो आपको देना पड़ेगा अगर आपको मेडिसिन के बारे में जानना है। तो ऑनोसमोडियम एक आपकी सेक्सुअल डिएबिलिटी के लिए होती है, यानी कि जिसमें शारीरिक क्षमता कम हो जाती है ना, संबंध बनाने की, संभोग करने की, उसके लिए ऑनोसमोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये मेल रेमेडी है, ये मर्दों को दी जाती है। सबसे पहले जो इसका मेंटल सिम्टम है वो है वांट एंड पावर ऑफ इन द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की पावर इससे बढ़ती है, वर्टिगो, नमनेस, मस्कुलर प्रोस्ट्रेशन और वेरीनेस, माइग्रेन, हेडेक, आई स्ट्रेन, ज़्यादा सेक्सुअल एक्स्ट्रा हो जाता है जब वो जब ज़्यादा लीन हो जाते हैं संभोग में, या फिर इस तरह की थॉट्स बहुत हावी हो जाती हैं यहाँ पे, तो उसमें उसके ज़रिए जो आँखों में जो दर्द होना स्टार्ट होता है, हेडेक हो जाता है, माइग्रेन होता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और जो ये सूखी नसें हैं उसको ये ठीक करती है ऑनोसमोडियम। इसके अगर मैं हेड से बात करूं, क्योंकि अगर हम पूरी बॉडी के अंदर कैसे काम करेगी, तो हेड से अगर मैं बात करूं तो लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त का जाना, न कन्फ्यूज, न डलनेस, डिजीनेस, न पेशेंट अपवर्ड, और ये चीफली लेफ्ट साइडेड होती है, यानी कि आपकी हेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी वो लेफ्ट साइड में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही पेकुलर सिम्टम है। आइज, अगर हम आइज़ के ऊपर आते हैं, हेड से हम जब आइज की तरफ आते हैं तो ब्लड विजन और आई बॉल में पेन होना, आंखों की जो पुतली हैं, ये जो डले हैं आंखों की, इसको हिलाने पर दर्द होता है बहुत, और आंखों में भारीपन रहना, और आपकी जो रेटिनल वेसल्स हैं उसका 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 जो सिकुड़ जाना, आंखों में बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या कहते हैं तनाव महसूस होना, स्ट्रेन फीलिंग आती है। इसके बाद आंखों के बाद अगर हम चाहते हैं थ्रोट पे, तो गला बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, ड्राई रहेगा, ड्राइनेस इन द यू नो थ्रोट, डिस्चार्ज फ्रॉम द पोस्टियर नेयर्स। और कोल्ड ड्रिंक से यानी कि ठंडी चीज़ों से आपके गले के सिम्टम बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एब्डोमेन की। एब्डोमेन में आइस वाटर की क्रेविंग रहती है, यानी कि ठंडा पानी पीने की एक इच्छा रहती है बहुत ज़्यादा, और आपके जो स्टमक है, एब्डोमन है, उसके अंदर ब्लॉटेड फीलिंग, यानी गैस गैस बहुत ज़्यादा बनेगी आपको। एब्डोमन के बाद आती है बैक यू नो पेन इन द डोर्सल एंड लुम्बर रीजन, डोर्सल और लुम्बर रीजन, यानी कि आपका जो ये सर्वाइकल का एरिया है इसके बाद स्टार्ट होता है डोर्सल और लुम्बर, फिर सैक्रल आया था, यानी कि बीच की जो आपकी बैक है और उससे नीचे वाली बैक है, ये डोर्सल और लुम्बर रीजन है, वहाँ पे पेन स्टार्ट होता है, और नमनेस एंड यू टिंगलिंग इन द फीट एंड लेग्स, झंझनाहट रहती है, सुन्नी आती है ना आपके पैर में और ऊपर तक ये थाइज में, पिंडली में, इस जगह पे। इसके बाद हम आते हैं चेस्ट पे, तो चेस्ट में आपका जो सोरनेस रहती है और जो ब्रश्ट होती है उनमें जो दर्द रहेगा, स्तन के अंदर दर्द रहता है मेनली, और हार्ट में दर्द होना है ना, मतलब कि पेन इन हार्ट एंड द पल्स रैपिड, इरेगुलर और वीक। अगर पल्स इरेगुलर है, वीक है, या फिर रैपिड है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद आती है मेल के सेक्सुअल ऑर्गन, तो कॉन्स्टेंट सेक्सुअल एक्साइटमेंट, यानी कि हर समय संभोग करने की इच्छा रहती है, और जो इम्पोटेंसी नपुंसकता आई है वो साइकिक है, दिमागी रूप से आई है, शरीर में कोई भी कमी नहीं होती, सिर्फ दिमाग में कमी रहती कि मुझे इरेक्शन नहीं, मुझे जो तनाव नहीं आ रहा,
तो उसकी वजह से जो आपके अंदर वीकनेस है, तो ये जो साइकिक एक इम्पोटेंसी रहती है वो आपको इसमें देखी जाती है। और इरेक्शन नहीं होना, डेफिशिएंट इरेक्शंस, मतलब तुरंत इरेक्शन नहीं होता है, तो आप इसे ले सकते हैं ना। फीमेल के अंदर क्या क्या चीज़ देखी जाएंगी, सीवियर यूट्राइन पेन, जो उसका यूट्रस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और ओल्ड पेन रिटर्न्स, यानी कि पुराने दर्द जो है वो भी लौट लौट के आते हैं, बार बार दोनों बार बार जो है दर्द होते हैं। सेक्सुअल डिजायर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, फीमेल में सेक्स की कोई इच्छा नहीं रहती, संभोग करने की बिल्कुल इच्छा खत्म हो जाती है। तो जिन जिन फीमेल्स में संभोग की इच्छा नहीं होती, आप ऑनोसमोडियम की 200 पोटेंसी में उसको सिर्फ 2 बूंद दे सकते हैं एक बारी में। और जो फीमेल हैं जिनके जो मेंसेस बंद हो चुके हैं, उनको ये लगता है कि मेरे मेंसेस फिर से होने वाले हैं, उनके स्तन में भी दर्द होना स्टार्ट होता है, उनके निपल्स में इचिंग होती है, और जो मेंसेस हैं वो जल्दी आते हैं और लंबे समय तक रहते हैं, और जो आपका यूट्राइन रीजन है वहाँ पे जो है एक जो है क्या कहते हैं सोरनेस रहती है, यानी कि दर्द रहता है, दुखन रहती है, लुकोरिया, यानी कि आपका आपका जो सफ़ेद पानी निकलता है जो कि येलो रंग का होता है, एक्रिड होता है, और जो है प्रोफ्यूज रहता है। एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि आपकी जो हाथ पैरों में कैसे काम करेगी मेडिसिन, तो बैक में दर्द होगा तो अच्छा काम करती है, टायर्ड एंड नम नम फीलिंग इन द लेग, और मस्कुलर वीकनेस बहुत रहती है इसके अंदर। मोडलिटीज जो है वर्स फ्रॉम मोशन, हिलने डुलने पे चीज़ें ज़्यादा वर्स हो जाती हैं, टाइट क्लोथिंग से मतलब की चीज़ें बढ़ती हैं, चाहे वो चाहे कैसी भी हो, प्रॉब्लम हेडेक हो, दर्द हो, यूट्राइन पेन हो, मोशन के साथ बढ़ जाता है। अच्छा कब लगता है, अनड्रेस्ड, जब अपने कपड़े उतारता है इंसान तो उसको अच्छा लगता है, लाइंग डाउन ऑन बैक, अपनी जो है अपने जो कमर के बल लेटता है तो अच्छा लगता है, और क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने से, यानी कि मतलब ये ठंडे पानी से ठंडी चीज़ें खाने पीने से उसको अच्छा लगता है। और इसकी जो रिलेशनशिप है, आप नेटरमोर मतलब कि लीलियम, क्या कहते जलसीमियम रूटा, इन सबसे आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, और डोज इसकी 200 पोटेंसी में। ये तो एक मैंने मेडिसिन के बारे में आपको बता दिया। अब जिन भी मर्दों में या फिर आदमियों में अगर सेक्सुअल डेबिलिटी है, तो वो 1 महीने में एक बार, मैं बार फिर से बोल रहा हूँ, 1 महीने में सिर्फ एक बार 2 बूंदें पीनी है, 2 ड्रॉप्स सिंगल डोज, या फिर हर 15 दिन में आप इसे रिपीट कर सकते हैं, 15 दिन से कम में नहीं। आज अगर 2 बूंद ली है तो अगले 15 दिन तक कोई भी डोज रिपीट नहीं करनी। आज आपने लिए तो इसका असर अगर आपके सिम्टम ऑनोसमोडियम की तरह हैं तो आपको आज से ही आराम मिलेगा, और अगर आपके सिम्टम ऑनोसमोडियम की तरह नहीं है तो आराम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं आपके जो नसों में पावर नहीं है, इरेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा, और शरीर में दिक्कत नहीं, सिर्फ जो मतलब कि साइकोलॉजिकल है, तो आप ऑनोसमोडियम को एक बार लेके देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है ऑनोसमोडियम के। ऑनोसमोडियम हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, तो ये 2 दवाइयाँ तो ऐसी हैं जो बिल्कुल रामबाण काम करती हैं इम्पोटेंसी के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और इसको जो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अभी हमने होप फॉर होपलेस एक नई स्टार्टिंग करी है, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मैं देता हूँ, मेरी वीडियो कंसल्टेसी फ्री रहती है जब मैं आपसे बात करूँगा वीडियो पे, और वो जो प्रॉपर केस टेकिंग ली जाएगी आपकी, पूरा केस लिया जाएगा, उसके बाद आपको 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 लगी मेडिसिन दी जाएगी, तो वो जो है बिल्कुल फ्री रहेगी। लेकिन जो मेडिसिन के चार्जेस हैं वो आपको पेबल रहेंगे, और वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल हैं। हमने जब इसे कैलकुलेट किया तो पूरा जैसे कोरियर है आपका, बोटल चार्जेस हैं उसके अंदर, जो भी मतलब कि मेडिसिन डलती हैं, और जो ये आपके जो ग्लोब्यूल्स हैं, इन सब का पूरा चार्ज मिला के अप्रोक्सीमेटली मतलब कि 470 के आसपास पड़ता है, प्लस जो भी कुरियर चार्ज आपका रहेगा, यानी कि जहाँ भी मेडिसिन जाएगी वहाँ का जो भी कुरियर चार्ज रहेगा वो आपके पास भेजा जाएगा ना पर्ची के साथ।
ये सिर्फ एक मेरी तरफ से मुहिम है कि ताकि आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिल सके और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मिल सके और आप बच सकें फालतू के मतलब कि झंझट में पड़ने से, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं आपको बहका देते हैं और मतलब चीज़ें मतलब कि प्रॉपर नहीं रहती। तो राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।